Welcome back to the channel, guys. Here is Pratik watching my YouTube channel. I'm very much excited to make today's vlog. The reason behind it is that आज हम लोग राजस्थान जा रहे हैं. Actually, four spots है. रणथंबोर, जयपुर, जैसलमेर एंड जोधपुर. हम लोग ये चार spots पूरे घूमने वाले हैं अगले 10 दिन में. तो इसके कंटिन्यूस तीन चार ब्लॉक तो ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे. तो अभी हमें जाना है फिलहाल मुंबई सेंट्रल से 6:50 की हम लोग की ट्रेन है. तो अभी पैकिंग वगैरह करके सब बैग वगैरह पैक करके यहाँ से निकल आए. चलो गाइस निकलते हैं. करेंटली वी आर एट मुंबई सेंट्रल स्टेशन. अभी 7:45 बज चुके हैं. सब तैयारी वगैरह हो चुकी है, सब सामान लगाया चुका है और हम फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं. सभी इधर उधर हो चुके हैं, इधर का उधर, मतलब सबके सीट्स मैसअप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी वी आर अराइविंग टूवर्ड्स राजस्थान. Yes guys, we are currently at the Vadodara station and having a cup of tea. हम लोग अभी थोड़ी चाय पीने के लिए उतरे. बहुत देर हुआ हम लोग खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, तो थोड़ी देर सब लोग नीचे अभी उतरे. वो ट्रेन में जो पीछे ग्रुप दिख रहा है वो सब हम लोग हैं. तो थोड़ी सी चाय वगैरह लेने, थोड़ा टाइम पास करने के लिए थोड़ा नीचे उतरे. तो इसके बाद निकलेंगे फिर से. गाइस तो हम लोग करीब 10:30 बजे सवाई माधोपुर को पहुंच गए और वहां से हम लोग आए आनंदा पैलेस. दैट इज अबाउट 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये होटल है. और हम लोग पीछे जो होटल दिख रहा है वही होटल में हम लोग सभी रुके. तो सब लोग अभी चेंज कर रहे हैं. उसके बाद में रणथंबोर के जंगल में जाना है, फिर कैंटर आने वाला है. कैंटर में ऑलमोस्ट 18 से 20 जन बैठ जाते हैं और वो कैंटर लेके हम लोग आगे जाने वाले. तो ये है आज का ब्लॉग का टोटल डिटेल. तो हम लोग अभी जा रहे हैं. यस गाइस, अभी सबका खाना वगैरह खा के हो चुका है और हम लोग अभी निकल रहे हैं रणथंबोर जंगल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हम लोग टाइगर देखने जा रहे हैं. सभी लोग 20 सीटर्स कैंटर मंगाए हैं, तो उसमें बैठ के हम लोग जाने वाले हैं रणथंबोर जंगल में और वहाँ पर जाके हम लोग देखने वाले कि कैसे टाइगर है. तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इस वीडियो में. स्टे ट्यून्ड अप टू द लास्ट.
एक्चुअली अ फ्लॉप कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम लोग गए थे टाइगर देखने के लिए वापस, लेकिन टाइगर तो हमें दिखा ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न आ गए और 31 की पार्टी वगैरह हो गई, थोड़े सभी लोग ने डांस वगैरह किया, बहुत बहुत मजे किए हम लोग ने रात भर। लेकिन उसके बाद अभी आज जो न्यू मॉर्निंग है, हम लोग आज जा रहे हैं जयपुर। जयपुर में दो साइट सी हैं एक्चुअली, एक हम लोग जाने वाले बिरला मंदिर है, अनदर इज अल्बर्ट म्यूजियम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद बाहर बस आने वाले, बस में बैठ के हम लोग जाने वाले हैं सीधा जयपुर सिटी। सो गाइज, दिस इज बिरला मंदिर जो कि है जयपुर में। करीब 7-8 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे, और ये जो बहुत बड़ा मंदिर है आप देख सकते हो। सो दिस इज आमे फोर्ट, वी आर क्लाइंबिंग ऑन द आमे फोर्ट। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा हाइट पे नहीं है वो, थोड़े से स्टेयरकेस, लेकिन स्टेयरकेस प्रॉपर है ऊपर आने के लिए। और ये देखिए गाइस, व्यू देखिए, इट्स अमेजिंग। आमे फोर्ट इज जस्ट अमेजिंग। एंड ये सब पुराने ज़माने के जो महाराजा थे वो सब यहाँ पर रहते थे, तो आप देख सकते हो कि कैसे है पुराने महल यहाँ पे। राजस्थान में पूरा सब रॉयल है, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग टू सी। सो आप यहाँ पर आके एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। फोटोग्राफी के लिए तो ये सभी चीज़ें बहुत ही जस्ट अमेजिंग है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए मज़ा ही कुछ अलग आता है। सी द व्यू फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट इज जस्ट अमेजिंग। तो हम लोग अभी आगे भी जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते क्या है। यहाँ से बाहर वाओ, इट्स जस्ट वाइट एंड वाइट। देखिए गाइस, यहाँ पर फोटोशूट तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब कैसे यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और ये नाइट का व्यू जो है बहुत मेंटेन रखा है राजस्थान की टूरिज्म ने। यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत ही मेंटेन है, और लाइट्स वगैरह शाम को बहुत ही अच्छे दिखते हैं यहाँ पर। सभी के सभी किले जो है बहुत बहुत अमेजिंग दिखते हैं, जब भी लाइट जलती है, लाइट शो भी होते हैं यहाँ पर। So guys, we are in Rajasthan, and ये कैमल अभी उठ रहा है यहाँ से, and ये इट्स शिवाले एंड गैडी ब्रो आउट नीचे से फोटो निकल रहा है। और चारों तरफ गाइज जितनी नजर मारोगे उधर आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखेगी, सिर्फ मिट्टी, और कुछ नहीं दिखेगा जैसलमेर में। इट्स ओनली अ ड्राई गोल्डन डेजर्ट। और कैमल पे बैठने का मजा ही कुछ और है। सब लोग आगे आधे निकल चुके हैं और आधे जन पीछे हैं। हम लोग निकल रहे हैं, कैमल को क्या हो चुका है, और ये हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर, और ये पूरा घुमा के हम लोग छोड़ने वाले हैं अंदर हम लोग, और हम लोग फोटोशूट करके रिटर्न आने वाले। सो कैमल सफर इज़ वन ऑफ द गुड वन इन राजस्थान, सो यू शुड ट्राई इट डेफिनेटली। सी गाइस, व्हाट एन अमेजिंग व्यू एंड एन अमेजिंग सफारी ऑन कैमल। Yes, this is the Kuldhara village, abundant village, and said to be the one of the most haunted places in India. आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर। हम लोग को दोपहर के 3-3:30 बजे यहाँ पर छोड़ा गया है, और 6 बजे के बाद, ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी को जाने के लिए अलाउड नहीं है।
तो हम सभी गाइस आप लोग को यहाँ पर आए, अभी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी कि कैसा है कुलधारा विलेज। बहुत राजा रानी की कुछ तो स्टोरी है, वहाँ पर स्टोरी लिखी थी, तो अगर आपको स्टोरी जाननी तो इधर आना पड़ेगा। और ये देखिए कैसा है विलेज, आप पुराने घर जो थे वो टूटे मूटे वो घर है कुलधारा विलेज में, ये जो आपको दिख रहे हैं अभी। एंड एवरीवन इज जस्ट रोमिंग टू फाइंड द घोस्ट, बट यहाँ पर अभी दोपहर को कोई भी दिखने नहीं वाला, पता नहीं है कि नहीं यहाँ पर घोस्ट, लेकिन बहुत सारे कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड। बट समवॉट हॉरर है थोड़ा बहुत शाम। यस गोल्डन फोर्ट, गोल्डन फोर्ट बहुत ही अच्छा है, ऊपर से व्यू आपको दिखेगा। अभी गोल्डन फोर्ट पे क्या है, उसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर अभी भी पब्लिक रहती है, यू कैन सी द टोटल व्यू, बहुत अमेजिंग व्यू है गोल्डन फोर्ट का, और पब्लिक भी यहाँ पर रहती है रोज, मतलब एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है ये। उमेद भवन पैलेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंसिंग एंड अमेजिंग प्लेस टू सी, अंदर बहुत सारे म्यूजियम टाइप है चीज़ें देखने के लिए, बट अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वीडियो में, और फोटोज़ यहाँ पर सब फोटोज़ निकालने के लिए लगे हुए हैं, अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, सब राजस्थानी टाइप टोटल, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी। बोलो एक बार आपको आना ही पड़ेगा इधर। एंड दिस इज़ आर शॉप्स है आजू बाजू में आपको लेने के लिए, राजस्थानी टाइप कुछ है, बहुत ज़्यादा रेंट है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग टाइप के हो तो आप यू कैन ईजिली बाय ऑल दिस। एंड पब्लिक तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर ऑलवेज। एंड दिस आर दी टोटल राजस्थानी टाइप थिंग्स। अनदर थिंग विच आई लाइक्ड इन राजस्थान इज अ मेहरंगढ़ फोर्ट, आप देख सकते हो हम लोग टॉप पे ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये जो लगाए गए हैं देखने के लिए, यहाँ पर अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन ये तोप वगैरह है वो ऑलरेडी लगाए हुए हैं। दिस इज अ बाउंड्री ऑफ दैट दैट फोर्ट, एंड यहाँ से वो लोग शायद फायरिंग करते रहेंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट जस्ट अमेजिंग गाइस, मतलब देखने के लिए इतना मज़ा आता है, अंदर जाके जो चीज़ें हैं जो बहुत ही रॉयल चीज़ें हैं जो राजा रानी, ये देखो ये है सीक्रेट डोर जो भागने के लिए या फिर कुछ सीक्रेट चीज़ें करने के लिए यूज़ किया जाता रहेगा। एंड देखिए गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैसे कलाकारी थी पहले और कैसे बनाते थे ये सभी चीज़ें, जस्ट मतलब विश्वास नहीं किया जाता ऐसे है देखने के लिए यहाँ पर। फिर ईजिली सी ऑल दिस इन माई वीडियो। सो गाइज दिस वॉज इट टोटल राजस्थान व्लॉग। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भी 3 से 4 व्लॉग राजस्थान के आने वाले हैं, लेकिन वही मुझे बताना था एंड में कि गाइज मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि एक ही व्लॉग मेरे से शूट हो पाया है, और आई डोंट वांट टू गिव द रीजंस, मैं रीजंस नहीं देना चाहता क्योंकि क्यों व्लॉग नहीं आया ये वो। तो अगली बार से जो मैं जहाँ पर भी जाऊँगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द टोटल व्लॉग प्रॉपर और आपको दिखाऊँ। सो बिग हार्टी सॉरी फ्रॉम माई साइड फॉर दिस व्लॉग, लेकिन अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंटा है लोग, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अभी शांतानु, सोहम, सुमित, भिंडे एंड ऑल द क्रिकेटर्स पब्लिक, प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को, फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मेहनत लगी है ना। बिग थैंक्स टू सुमित मोरे, बिकॉज ऑफ हिज माई वीडियो इज बिंग शूटेड, मतलब उसने शूट करने में बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी, तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग सुमित। ऑल माई फ्रेंड्स जितने भी आईवी पे थे, आईवी से बाहर जितने भी अभी भी सपोर्ट कर रहे, तुषार मोरे प्लीज़ 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 ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। एंड इफ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी को जाके फॉलो करो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का मतलब जो असली मज़ा हम लोग ने किया है उस वीडियो का प्राइवेट ब्लॉग डालने वाला हूँ। तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम, तो आईडी उसके स्क्रीन पे नीचे गया है, तो उस पे जाके फॉलो करो मुझे, और मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करो मुझे, आई विल गिव दैट प्राइवेट ब्लॉग का लिंक, एंड यू कैन सी ऑल दोज अदर थिंग्स विच हैव डन विच आर नॉट इन दिस ब्लॉग्स। ओके सो I'm ending this vlog now, as always, tata bye bye, take care, keep watching Pratik Vaidande vlogs, and thanks for watching, bye bye.